धन्यवाद। तारीख है 9 नवंबर 2023, समय हो गया है 10:50 PM। अभी एक ऐसा मामला है जो कि सबकी ना आंखें खोल देगा। बहुत बड़े बड़े 30 मार खा बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े। जब ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे एनिमल को ढूंढा गया जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूज़ में बताया गया कि वो विलुप्त हो चुका है, और वो था थैलासिन। भारत में नरेंद्र मोदी भी एक थैला लगा के थैलासिन दिखाता था, वो थैलासिन क्योंकि ये उस गैंग में से था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में थैलासिन को जो है कैप्टिविटी में रखा हुआ था। ये एक जानवर है जो कि कुत्ते जैसा होता है, और इसके शरीर पे बाघ जैसी धारियाँ होती है। इसकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है और काफ़ी बड़ा साइज़ होता है इसका, ऑलमोस्ट टाइगर जितना, और ताकतवर भी बहुत होता है। तो बात कहाँ से शुरू हुई है मैं बताता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया में थैलासिन की लोकेशन ढूंढी गई, मैंने पूरा टाइम लिया, मतलब पूरा टाइम लेके मैंने ICJ इंटरपोल से बात करी कि मैं थैलासिन की लोकेशन बता तो दूंगा, ढूंढ तो दूंगा कहाँ पे, पर शर्त है मेरी, पैसा पैसा सीधा सीधा चाहिए भैया। उन्होंने कहा ठीक है, बात हो गई, ICJ ने भी एग्री कर दिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वालों ने भी एग्री कर दिया। और मैंने कहा कोई बीच में फालतू बात नहीं चाहिए। तो हमारे देश के अंदर एक डरपोक मियाँ मुल्ला है ना, तू तेरे ऐसा मियाँ तो किसी को नहीं चाहिए, वो तेरी बीवी ने तुझे छोड़ दिया, तुझे पता लग गया होगा, कराकोरम कोलंबो, मुझे कह रहा दोगली हरकत, खुद श्रीलंका का पैदा हुआ, पाकिस्तान बारादारी में घर, और भारत में जो है यहाँ नौकरी कर रहा है। तो दोगला दोगला है, तीगला है, चोगला है, वो तू समझ ना, मैं तो साबित कर दिया तू कौन है, बोलने से पहले सोच ले, ठीक है? नहीं मेरे से बात कर लेगा ना तो शायद जिंदा रहेगा। तो जेब्स को ढूंढ रहा है, मार मुर देगा, कोई फायदा नहीं है, समझा? अब तक तूने ना इतनी रिवॉल्वर नहीं देखी होगी जितनी वॉर वो लड़ चुका है, तो सोच भी नहीं सकता जेम्स है कौन, समझ रहा है? नहीं मेरे से बात करेगा ना तो शायद जिंदा रह जाए। और जेम्स को ढूंढेगा ना, उससे पहले उसके बंदे ही तेरे को जो ना ऐसी जगह ले जाकर रख देंगे, हाँ, कि तेरी जो है ना पुश्तों की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये उस पट्टों में से है, उल्लू अपने आप लगा लेना, गधा बिल्ली घोड़ा खुद लगा देना, किन पट्टों में समझ आता। जब मैंने थैलासिन की लोकेशन ढूंढी एक्यूरेट कि ऑस्ट्रेलिया में फला जगह पे जमीन के नीचे अंदाजन 6 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ जो है थैलासिन रखे गए हैं छुपा के, तो पूरा विश्व जो है सकते में आ गया कि यार इसकी रिपोर्ट तो मीडिया में थैलासिन के विलुप्त होने की है कि ये आखिरी बचा था। नहीं सर, तो पूरा विश्व जो है क्या कहते हैं दांतों तले उंगली दबाए बैठ गया, ढूंढा तो मिल भी गया। उससे पहले ना मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को 1100, बाद में जो है 1800 हो गए थे, 1800 F-35 बेचे, डील फाइनल हो गई, लॉकेट मार्टिन ने करा दी डायरेक्ट, पैसा अच्छा खासा कमाया मैंने। तो इंडियन गवर्नमेंट में बैठा हुआ अभिनंदन और ये पता है इनकी स्ट्रेटेजी और मोदी की, कह रहा यार जेट वहां बेचे, इसको क्या मतलब, इसने बेच दिया ना 200 जेट हम ले लेंगे, 200 F-35 अभी आ जाएंगे। पर इन अनपढ़ गवार भिकमंगों को ये नहीं पता था कि हवाई जहाज जहाँ बेचा जाता है ना वहां एक नियम होता है, उसका इस्तेमाल जो बेच रहा है उसके खिलाफ नहीं हो सकता, समझा अभिनंदन? नहीं, यहाँ एक गाली दिखता हूँ तो ले तू चूतिया नंदन, ठीक है? कराकोरम साहब, कोलंबो गंड फट्टू साहब ने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ भुवनेश्वर पोर्ट से
जहाज लिया और श्रीलंका के पोर्ट से जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए मोदी जी को रवाना किया ऐसे, आप जाओ आराम से बात करके आओ, हम लोग है ना। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक दिमाग में भी जो है एक बात आ गई, अब रेड तो इंटरनेशनल थी, रेड हो गई, पैसे की बात बड़ी भयंकर हुई थी, सीधे तौर पे करी मैंने। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने कहा कि भाई जो बातें आपने कही हमें मंजूर है, लोकेशन बता दो कहाँ पे। मैं कहा ऐसे ऐसे है, दे दी मैं पूरी लोकेशन सारी डिटेल। बदकिस्मती से जो ट्विटर हैंडल डिलीट करना था ये वो नहीं कर पाए, जिसमें इंफॉर्मेशन थी, ये वो डिलीट कर बैठे जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, और उसी की वजह से हितेश रे वन एयरफोर्स बनी। जो जो इन्वॉल्व पाया गया ट्विटर हैंडल डिलीट डिसमिस कराने में वो तो गया काम से। और विश्व की सबसे डेडलीस्ट एयरफोर्स बनाई गई। अब इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया यहाँ पे, जितने भी लुच्चे लफंगे भिखारी बैठे हैं ना, बेटा नया सफारी सूट पहन लेने से ना भिखारी जो है राजा नहीं हो जाता, तू भिखारी है, तेरी सोच है ना, सोच बहुत छोटी है, शरीर बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच छोटी है। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलके नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कराकोरम, पता है इसकी भाषा सुनी कोलंबो कपिल वर्मा की, किसुन पहलवान KISUN, भाषा सुनी इसकी। अरे वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट तो यूं आ जाएगा जी, यूं आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी बात करा, सब जानते हैं मेरे को कैसे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि थाईलैंड से अगर ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं तो वो यहीं रहेंगे, बदले में हमें वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट चाहिए। इसमें एक और भिखारन शामिल थी, वो थी मरियम नवाज शरीफ, और साथ में अपने भिखारी बाप के साथ नवाज शरीफ के साथ और भी कई भिखारी शामिल हुए, भागलपुर के भिखारी, पटना से भिखारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, संसद भवन से भिखारी शामिल हुए। विश्व की सबसे बड़ी खोज थालेसिन वापस आ गया और सबके मुंह पे लग गया ताला। अब बात ये हुई तो 1800 F-35 मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ ज्यादा ही बंदे कूदने लग गए, कह रहा JSR सिक्योरिटीज वाले हो, वॉर लड़ लो। मोदी का था अब आएगा मजा, चलो अबे 25,000 F-35 तो मैंने खुद खरीदे हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ये सौदा कैसे हुआ खुद इंडियन गवर्नमेंट और IB और रॉ वाले नहीं पता लगा पाए कि हितेश ने घर से बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया को F-35 कैसे बेच दिए। चलो वॉर लड़ लेंगे भाई, और यहां से इंडियन आर्मी में एक ऐसी बटालियन शामिल हुई जिसको CRP बोलते हैं। आज CRP की हकीकत सुनाता हूं, इसी कहानी में जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी न्यूज छुपी हुई है कि पूरी धरती आज जो है ना कांप उठेगी। ऑस्ट्रेलिया 100% खत्म कर दिया गया है मेरी एयरफोर्स द्वारा, और 80 लाख औरतें बचाई गई हैं जो कैनिबलिस्टों के जंगल में थी। एक एक बंदा मार दिया ऑस्ट्रेलिया में, एक एक बंदा, 80 लाख औरतें
नरभक्षियों ने पकड़ी हुई थी, उनको कहते हैं ओमनु, ओमनुज बोलते हैं उनको। अब एक ऐसी बटालियन जो सीआरपी वाले, हाँ ये सूटकेस पे कपड़ा नहीं होता गांधीनगर की से जो कच्चा कपड़ा आता वो पहन के जो घूमते हैं, ये जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री से हैं, और ऐसी कोई आर्मी है नहीं भाई साहब। सुदर्शन शर्मा का लड़का विश्वजीत शर्मा भी जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री से था, जो कि आतंकवादियों के द्वारा बनाई गई। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, और वो लाइट इन्फेंट्री कुछ नहीं है, बस वो अर्दलीज हैं, कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्मी अगर बनती है तो अर्दलीज होंगे सिर्फ, वही खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, यही काम देखेंगे, बाकी कोई काम नहीं देख सकते। तो ये जो अशोक कुमार अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश कह रहा था ना, ये उस आर्मी में से था जो भारत के अंदर टेररिस्ट है। अच्छा, ये दिल्ली एमसीडी स्कूल में क्यों आए लड़कियों के? ये आए इसलिए कि मेरे से परमिशन ले पाए कि भाई बन रही है तो हम भी बना लेंगे। तो वही 150-200 लड़के लेके कभी यहाँ खड़ा हो जाता है, कभी वहां खड़ा हो जाता है, और MBRL केमिकल बांटने में माहिर है। ये वो केमिकल होता है जिससे एरिया में तेज सरदर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशन, किडनी फेलियर और लिवर फेलियर जैसी बीमारी हो जाती है, और अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री नाम से बनी हुई एक आर्मी, जी हाँ, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम्स के लोग हैं, उनसे मिले हुए हैं ये। हालांकि वीरप्पन ने पूरे साउथ इंडिया में लूट तो बहुत करी, पर आखिरी में बेचारा अपना खजाना इस्तेमाल नहीं कर पाया, और इस हितेश मंडल, हितेश रे वन ने एक ऐसी लोकेशन पर रेड करी कि उसका अनलिमिटेड गोल्ड, उसने इतना गोल्ड लूटा भारत में, दक्षिण भारत में, और एक पर्टिकुलर जगह पे समुद्र में फेंकता गया, जो कि समुद्र नहीं है असल में, समुद्र का कुछ पानी भारत के अंदर एक झील के तौर पे है। इतना गोल्ड लूटा उसने कि उसको लिखने के बजाय मुझे अनलिमिटेड गोल्ड लिखना पड़ गया। उसे इस हितेश मंडल ने ढूंढ लिया। ICJ ने पूछा, अनलिमिटेड गोल्ड? सर वो इतना ज्यादा है कि मैंने चंगेज खान का खजाना तो लिख दिया, पर मजबूरी है कि फोटो सर्वर ये कह रहा है कि हितेश अनलिमिटेड गोल्ड लिख दे, ज्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं जानता वीरप्पन क्या फिल्म था, पर उसका खजाना भी मैंने। अब ये भिखारी नहा धो के तैयार हो करके ऑस्ट्रेलिया में जिस थाइलासिन की बदौलत वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड अकाउंट लेना चाह रहा था, क्या बेइज्जती हुई। मरियम नवाज शरीफ की भी आज बेचारों को नौकरी कर, अरे तौबा 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 तौबा। पूरी गवर्नमेंट और कुछ एक भूखे नंगे जो राजनेताओं के कपड़े में मंच पे आ तो जाते हैं, पर इनकी नीयत साफ दिखाई देती है। तो ये थैला लेके अपना कैम तो थैला लेके चल देंगे, थैला नहीं था वो, सॉरी थैला नहीं था, थैला था,
हायला सेन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिसके दम पे तो कूद रहा था ना, और इंडियन एयरफोर्स कि 200 जेट तो हमने ले लिए, इतना मरियम नवाज शरीफ हंस रही, उसकी वीडियो आई, इतना हंस रही, इतना बड़ा बेवकूफ है क्या बताऊं, ऑस्ट्रेलिया को 1800 जेट भेज दिए, 600 मैंने ले लिए, 200 उसने ले लिए। तो ये तो पूछ लेती, अनपढ़ गवार, लॉ है ये लॉ, जहां ये रह रहा है ना, कि जिसने जेट बिकवाए हैं उस पर हमला नहीं हो सकता। तो तय ये हुआ कि वॉर लड़ेंगे तो ठीक है ऑस्ट्रेलियन वाटर में, एग्री, मंजूर है। और उन 250 जेट F-35 की बदौलत पाकिस्तानी एयरफोर्स कि मरियम स्क्वाड्रन की कमांडर इन चीफ, पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं जानता, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड से लड़ने चल दी। ज्यादा नहीं मैडम, 9 trillions एक्सप्लोजिव गिराया हमने ऑस्ट्रेलिया पर, 9 trillion, ठीक है, 11 lakh फाइटर जेट्स ऑस्ट्रेलिया में उतार दिया जगह जगह। इसे बर्ड फ्लू बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते हैं इसे मैडम, हितेश रेवन एयरफोर्स मेरी है, ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू फैल गया उस दिन, पाकिस्तान में बर्ड फ्लू फैला था, बर्ड फ्लू समझते हो असली, अब ये लोग सोच रहे कि वर्ल्ड बैंक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट कैसे मिलेगा, नहीं मिलता ना। और ओ वहां से मिसाइल चलेगी, वहां से यूं मोदी ऐसे हाथ उठा के करा, ओ वहां से मिसाइल चलेगी ऐसे, और एकदम देखना सटी किसके घर के ऊपर गिरेगी, बस किस्सा खत्म। अच्छा जी, थोड़े तालियां बजा रहे सब, ये भी कराकोरम भी बैठा हुआ मीटिंग में, अभिनंदन भी था, अजीत डोभाल भी था, खुद असीम मुनीर मौजूद था, हाथ मिला रहे, गले मिल रहे, हम लोग JSR सिक्योरिटीज से लड़ने के लिए हम लोग एक हैं, हम दोस्त हैं। असीम मुनीर का ऐसे गाल पकड़ पकड़ के मोदी कह रहा, मैंने वीडियो देखी है ना, मुनीर घबरा मत, बात हो गई एक मिसाइल सिर्फ। मरियम नवाज कहती, यहां एक मरियम नवाज नहीं, एक मरियम नवाज और है, उस मरियम नवाज की इंजीनियरिंग का भी नमूना बता दूं, मारना कौन सी बड़ी बात है, एक मिसाइल है उसको सीधा रखने को वजह ऐसे गिरा के आग लगा दे, रोक के दिखा दे, तालियां, बाप रे बाप, जो तालियां बजनी शुरू हुई, जो तालियां बजनी शुरू हुई, नहीं नहीं ये मरियम नवाज, एक और मरियम नवाज है, हाँ एक और है मरियम नवाज, करे रॉकेट गिरा दे नीचे, आग लगा दे और यूं जाकर सुर रोक के दिखाइयो। हम लोग तो यहां बैठे हैं, मरेगा अपने आप, सही कह, एकदम सही कह रहे हो, आईडीए ऐसे ऐसे सोचे गए, ये A-204 पे मिसाइल गिराने के, कराकोरम कह रहा मेरे 6 बंदे ना मिसाइल ऐसे कंधे पे रख के चला देंगे, सही क्या,
तो बात यहाँ नहीं थमी, जे एस आर सिक्योरिटीज वर्ल्ड वालों ने अकॉर्डिंग टू लॉ इंटरपोल और आईसीजे के कहने पे थोड़ी बहुत बात कह के समझा दिया। हालांकि जे एस आर सिक्योरिटीज भी बहुत पावरफुल है, पर वो बड़े नियम से चलते हैं जे एस आर सिक्योरिटीज वर्ल्ड वाले, मेरी है। मैं कहा बेटा लल्ला तुम्हें खेल हम दिखाते हैं, असली वाला तमाशा जो चीन ने सियाचिन में देखा, पाकिस्तान ने लाहौर इस्लामाबाद में, और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में देखा है, और अमेरिका ने एरिया 51 में, ईरान ने तेहरान में, इजराइल ने फिलिस्तीन में, अफगानिस्तान ने काबुल में, श्रीलंका ने कोलंबो में, बांग्लादेश ने ढाका में देखा है। हम ज्यादा कुछ नहीं करते, एक साथ 10 मिनिमम या 50 LRSM दाग देते हैं। रोकियो, एंड ऑफ पाकिस्तान बहुत पहले से चला, पर जे एस आर सिक्योरिटीज वर्ल्ड वाले कह रहे सर आईसीजे के ऑर्डर से कुछ लिमिट तक ही करना है। मैं कहा बड़ा चेक नहीं आ रही है, हितेश रे वन एयरफोर्स टॉप सीक्रेट में है, हम दिखते नहीं है। हमने कहा जे एस आर सिक्योरिटीज वर्ल्ड वालों को और एरिक प्रिंस जी को, भैया खेल देख कैसे खेलते हैं, एक्सप्लोजिव ऐसे गिराया जाता है। फिर अभी 8 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने हितेश रे वन एयरफोर्स को चुनौती भेजी कि आप लोग, हालांकि गाली दी थी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, बहुत कुछ बोला, और ट्रांसपोंडर नंबर 79 अपने आप समझ जाओगे 79 ट्रांसपोंडर किसका है, ट्रांसपोंडर नंबर 79 हैक कर लिया वर्ल्ड मीडिया का ऑस्ट्रेलिया ने, और जो नया ट्रांसपोंडर हम एवरेस्ट पे लगा रहे हैं उन्हें ऐतराज था। काम में चैलेंज कर रहा है, ग्यारह लाख स्पेशल फाइटर जेट्स विद सुपर लाइनर कॉनकॉर्ड के साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर गए, इसे कहते हैं बर्ड फ्लू। और एक एक ऑस्ट्रेलियन को गोली मार दी, उसके बाद बमबारी हुई जब 80 लाख महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रॉकेट नहीं आया, अपने घर से बाहर निकल के देखने वाला इमरान खान, क्या बात है, जे एस आर सिक्योरिटीज वर्ल्ड वाले कुछ कर नहीं रहे। मुझसे पंगा लियो, हितेश रे वन एयरफोर्स गाने किसने डिलीट किए थे, गाली किसने दी थी कश्मीर से, पीओके में रह के गाली किसने दी थी, अब हितेश रे वन एयरफोर्स अपने प्रोजेक्ट एंड ऑफ पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं, और श्रीलंका की बदमाशी दिखाने वाला कोलंबो, कपिल वर्मा, किसुन पहलवान, श्रीलंका तो देख ले 630
सुपर बॉम्ब गिराए मैंने, क्योंकि मुझे श्रीलंका से मतलब नहीं है। और जमीन के नीचे ना श्रीलंका के ही साइज का और 250 मंजिला ऊंचा, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है, मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर मान लो या 4 किलोमीटर, कुछ ऐसे ही है। एकदम सॉलिड गोल्ड है। रावण की श्रीलंका लूटनी थी, अब मारेंगे। कह रहे श्रीलंका जाके रह लेंगे, कहां कहां जाओगे यार। ठीक है, पाकिस्तान बारादारी, मुझे पाकिस्तान मतलब क्या है, मैं तो लूट रहा हूं। नहीं, रेड एमरल्ड मरियम उल जमानी का खजाना पाकिस्तान बारादारी महल के नीचे। तुम ऊपर रह के गरीबों करोगे क्या, मर मरा जाओ यार, मैं मार दूंगा ना तुम्हें, मैं मार दूंगा यार, बेशकीमती खजाना है, करोड़ों अरबों टन सोना चांदी और मरियम उल जमानी का खजाना। लात मारना खेच के मरियम नवाज के, यार मंडल क्या बात कर रहा है यार, तो चल तेरी। मरियम उल जमानी का खजाना जिसके हाथ लग जाए, मरियम नवाज तेरी तू दूंगा तेरे मुंह पे। अरे क्या बात है, आजकल ढंग से बात नहीं करता। देख भाई, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है जिसके हाथ मरियम उल जमानी के महल, नहीं नहीं लाल किले के नीचे तो आकर रही थी वो, बारादारी महल मरियम उल जमानी का घर है भाई साहब, और उसका रेड एमरल्ड का खजाना भयंकर, और ग्रीन एमरल्ड का खजाना कौन रबी पीरजादा और कौन मरियम नवाज, कौन पाकिस्तान कर दे कांट। नीचे इतना कुछ कहां ये गरीब भिखारी रखे मार मुर्दे। दबा के, और जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा विश्व जिसको खोजने के लिए तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए थे, पर जो चीज उन्होंने देखी, मंडल एग्जीक्यूट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सेप्टेड। कह रहे तूने जो चीज दिखाई है ना, अमेजिंग है, सोचा भी नहीं था। अपनी अगर जान प्यारी है ना तुम्हें, तो चुप चुप एकदम, तेरी कोई औकात नहीं है मरियम नवाज मेरे आगे, कोई औकात नहीं तेरी। मरियम उल जमानी के महल तक मैंने बुलेट ट्रेन लगवाई है, यहां से नीचे तक मरियम उल जमानी, ठीक है, नहीं उसके जैसी है वो, है नहीं उसके जैसी है। मैं कह इनको थोड़ा घूमने दे, बड़ा उछल के घूम रही। जिसके हाथ मरियम उल जमानी का खजाना लग जाए, वो इस मरियम नवाज को पूछेगा, चला तेरी तो काम चालू रखो। पूरे विश्व में चंगेज खान का अकूत दंदौलत वाला गोल्ड, तो चीन की औकात क्या है, चीन की औकात क्या है यार। जितना बड़ा मेरा घर है ना, इतना बड़ा एक ब्लॉक है गोल्ड का, ब्लॉक
ऐसे ब्लॉक धरती के ऊपरी कोने से लेके निचले कोने तक एक पूरी संतरे की फांक की तरह लगे हुए हैं, जिसके पास 6 करोड़ मरियम नवाज हो पाकिस्तान जमीन के नीचे हो तेरे को कौन पूछेगा चलट। डाल दे जेल में। मेरे को दिखा रही है पैसे का लालच। मैं इतना इतना कमीना आदमी हूँ जो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। पाकिस्तान में ही जमीन के नीचे 6 करोड़ मरियम नवाज, तेरे जैसी जो मीडिया में कपड़े उतार चुकी हो उसके लिए मरेगा ये देश। चलाट समझ में आई। 6 करोड़ मरियम नवाज डिटो, और इतनी सुंदर सारी मेडल जाने देना छोड़, जानते हैं कौन है ये, अब मेरी बराबरी करेगी। अरे असली मरम नवाज में 6 करोड़ है, ठीक है, और इंडिया में तमन्ना और ऐश्वर्या राय की परवाह कौन करेगा, घंटा मेरा 6,600 करोड़, इतनी सुंदर औरतें जो असोला में जमीन के नीचे है वो आके मिलके गई ही, देख के गई है, वाह ढूंढ लिया यार, बहुत बड़ा कलाकार आया है यार, कहाँ से वही। बहेगा देवी जी बाद में मुलाकात होगी, बैग ने उठा कर इनकी ऐसी की तैसी करे, बाकी काम हम पूरा करा देंगे। धरती के नीचे जो विश्व छुपा है, तुम्हारे जैसे भूखे नंगे भिखारियों की परवाह कौन करता है, खुद ही मरमरा जाओ ज्यादा अच्छा है। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड और हितेश रेवन एयरफोर्स सब इसी के अंदर है। तुम अगर हडसन में बैठ के इंसर्जेंसी दिखाओगे तो ये हडसन वो नहीं है जो अमेरिका में वो रेस्टोरेंट वाले, नहीं 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 आप लोग गलत फहमी में हो, साइड हो जाओ, 2 मिनट में चेंज कर दूंगा चीजें, 2 मिनट में। जमीन के नीचे से मैंने इतनी महिलाएं बचाई है, तुम्हारी जैसी बेगैरतों की परवाह कौन करता है, समझ भाई। जो तू सपने संजो के बैठी है ना, जारा नाम है सोया नाम है तेरा, कि मरियम उल जमानी के महल में तू रहेगी। अच्छा मैं इसकी इस पाकिस्तान की परवाह करूंगा, साफ कर दूंगा पूरा, जमीन में नीचे खजाना इतना है, कौन रखेगा ये RDX वाले घर, मार दे सबको मिश्र। अगर इसके बाद तो और भी खजाना ढूंढना, जमीन के नीचे जो जन्नत है ना, जो स्वर्ग है, पहुंच गए हम वहां तक, तुम जा रहे, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों की परवाह कौन करता है, सीधी बात है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों की परवाह करता कौन है, तुम साले भूतनी के भिखारी, मेरी बराबरी करोगे। जिसने चंगेज खान का खजाना ढूंढ लिया हो, सुना कितना, मेरे घर का जो साइज है ना 2 मंजिला, मैंने फिर भी कोई बात नहीं, किसी का 2 टन गोल्ड, किसी का 100 टन, किसी का 1 क्विंटल, किसी का 900 टन गोल्ड, मैं दे दो, गाली दे रही है, असलियत भूल गई, तू पहचाना नहीं मेरे को कौन हूं मैं, बार बार का तू पहचान नहीं रही मुझे, नौ सौ फुट ऊंची और 800 क्विंटल की एक मिश्र के सैनिकों की मूर्तियां प्योर गोल्ड
और अकूत धन दौलत, खाने के लिए इतना सुंदर सुंदर सामान पैक करके रखा है। तुम्हारे जैसे भिकमंगों की एर्दोगान जैसे भिकमंगों की परवाह कौन करता है, और रईसी जैसे भिकमंगों की, सबको मार देंगे हम सबको, तुम इस लायक नहीं हो। बात 2 टन 4 टन या 4 लाख 10 लाख टन की नहीं है। चीन, अबे चंगेज खान का खजाना ढूंढा है बे, क्या करना है, मार दूंगा सबको। जनसंख्या जमीन के नीचे है, और इतने पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं वो लड़कियां, मिलके गई मेरे से मरियम नवाज। यू आर रितेश, हाँ रितेश, वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, इट्स अमेजिंग, यू फाइनली रीच टू द गोल, वी आर 6 करोड़। अबे इतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या भी नहीं है, मार दूंगा, भयंकर बमबारी करूंगा पाकिस्तान पे। और तुम सुनो बे, अभी यहां मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, लाल किले के नीचे ना मरियम उल जमानी का महल, और कुतुब मीनार के नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक का खजाना, जो कि हाथी की आंत में भर के रखा गया है। जान प्यारी है तो भाग जाओ, क्योंकि मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। असली बयान ये है, और हम लोगों ने सेफ्टी लॉक हटा दिए हैं गन्स के, सोचना भी मत नीचे घुसने की, हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अकूत धन दौलत, तो तेरी तो औकात क्या है वे मोदी, और धीरू भाई अंबानी के पिल्ले महिंदर, तुम्हारी औकात क्या है वे मेरे आगे, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो। जितने दिन जी रहे हो ना, आराम से खा लो, मस्त रहो, हाथ चढ़ गए ना तो बांध के फेंक दूंगा एक तरफ, मूड मत खराब करो। भयंकर खजाना ढूंढा है, मैं इसलिए मैंने मुकेश को इशारा भेजा, समझा नहीं तो मुकेश, जा यार जा, तू मेरे से ज्यादा पैसे वाला इस धरती पर कभी था ही नहीं। ये मैंने ढूंढा है मुकेश, पिताजी छोड़ के नहीं गए थे वो, छोड़ के नहीं गए, मैंने ढूंढा है, ढूंढा है मैंने, समझा नहीं समझा थे। ये अमान अकानी खरीदने की औकात रखने की बातें बेकार है यार, बी प्रैक्टिकल, जा यार जा भाई जा। ठीक है, ये तेरे ऋषि गैंग बैरन पैरन, जाओ यार, कुत्तों की मौत मार दूंगा मैं तुम सबको। ऑर्डर्स हैं, क्या क्या है जमीन के नीचे, 940 फुट ऊंचा हाथी बाहर लाना यार, 42 फुट बड़ा शेर बाहर लाना है, मार मुर दूंगा तुम्हें यार, चले जाओ, समझे समझे, चुप एकदम, मुझे धमकी मत दे, तेरे 200 जहाज और 600 जहाज, मैं हितेश हूं, ग्रीन पार्क डिस्ट्रिक्ट पार्क में, डियर पार्क में वो किला, अबे मैं हितेश हूं, हितेश वहां जमीन के नीचे काबा के साइज का ब्लैक ब्लैक एमरल्ड मेरे हैं यार, मेरे हैं। कौन है यार तू, क्यों बकवास कर रहा है मेरे से, बहुत हो गई यार, तू समझा यार करण, बाकियों को समझाओ, जाओ यार, या मान कहानी मुझे नहीं पता क्या है सिस्टम, मार मुर दूंगा, बहुत तेजी से काम चल रहा है, एयर स्ट्राइक नहीं रुकेगी। किसी भी समय मैं यहां से हटूंगा, सब खत्म कर देंगे मैं आसपास, हमारे को वाइल्ड लाइफ निकाली, 42 फुट शेर है,
940 फुटा ऊंचा हाथी, ट्राइडेंट बोलते हैं उसे, ट्राइडेंट, जिसके एक दांत में ना तीन दांत निकले हुए हैं, वो बाहर ला रहे हैं, जम्मू को बाहर ला रहे हैं, बे मार मुर दूंगा मैं कश्मीर में, भाग जाओ, और नहीं तो अंतिम सांस है गिनो और एकदम चुप, गुस्सा मत दिलाओ, हैं? तेरी ये सीआरपी पीआरपी है ना वो, और ये तेरे जो बैरन गैंग और अटैक पटैक, जाओ यार जाओ, तुम्हें पता भी है मैं कर क्या रहा हूं, हैं? पूरा मिश्र खत्म कर देंगे हम किसी भी समय, एक क्या करना है, कीड़े मकोड़े हैं ये, कीड़े मकोड़े हैं, तमीज से रहोगे तो जिंदा रखूंगा, अपना रहते रहो, मेरे खजाने या मेरी खोज में नहीं घुसना, कॉपी नहीं करना, डिलीट नहीं करना, ठीक है? नहीं समझी, अपनी अपनी लुगाइयां उठाओ और चुपचाप निकल लो, समझा बे, ओए किसन पहलवान है किसनू, समझा बे भिखारी की औलाद, अब समझा मैं कौन हूं, अब भी नहीं समझा, 600 फुट बाय 600 फुट का एक डायमंड है, हैं? और 6,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है मेरे पास, ले आया एक मैं, जीएमआर में वही रखा है, तो भिखारी की औलादों ये इसलिए मत मरो कि एक बार देख लें, क्योंकि फिर मार दूंगा, अब बताइए आज मैंने तुम्हें अपनी औकात, अब अगर तुम्हारी औकात मेरे से ज्यादा हो, या मेरे पूरे खानदान में किसी ने मुझे दान दिया हो उसकी बदौलत, या पंडित उमा शंकर शुक्ला या नंद किशोर श्रीमाली की बदौलत हो, तो बोल दो और साबित कर दो, ये विद्या मैंने चलाई अपने दिमाग से, तुम तो मारने पर तो लेते हैं टेस्टर के नाम पे, समझ रहा है, जगह जगह एमओए भी मार रहे हैं, क्यों फाड़ना है, वाइल्ड लाइफ बाहर ला रहे हैं, 6,90,00,000 फुटा हाथी कहां रखेंगे, वहीं जाएगा जम्मू में, भाग जाओ वहां से, A to Z मार देंगे जो ऑस्ट्रेलिया में किया हमने, क्योंकि यहां से कुछ वाइल्ड लाइफ वहां जा रही है, हो सका तो ये 940 फुटा एलिफेंट अब नीचे से निकाल देंगे उस तरफ जमीन के नीचे, क्योंकि एक वही आइलैंड है जहां इसको सुरक्षित रख सकते हैं, तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए वो जगह है नहीं, सुना है चिड़ियाघर के, चले जाओ, इसलिए ईरान पूरा साफ कर दिया, क्योंकि वहां पे कुछ काम बचा है, ईरान इराक काबा सब साफ, काबा पता है क्यों उड़ा दिया हमने, ग्रीन एमरल्ड है और इतना सुंदर खजाना है ना नीचे जमीन के, समझा, पन्ना बोलता हूं सब पन्ना, समझे नहीं समझे, ग्रीन एमरल्ड है, 1 फुट बाय 2 फुट बाय 8 इंच की प्लेटें लगी हुई है दबा के, पता नहीं कितना है, हटाए मोहम्मद मोहम्मद, खत्म कर दे सब, बमबारी नहीं रुकेगी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर जरा सा भी किसी ने हमारे को रोकने की कोशिश करी, ठीक है, ये तेरी औकात बताई मैंने मरियम नवाज, जिसके पास 6,00,00,000 करोड़ तेरे जैसी हो, सॉरी तेरे से भी ज्यादा सुंदर दोस्त मेरी, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, जाए ऐसे, तेरे जैसी बदतमीजे पसंद नहीं है, उसने तो दूर से ही जब मैं किसी के गया खाना खाने के लिए, वो मेरे से पहले पहुंच कर उसने दुकानदार को बोल दिया ये चीज मत इस्तेमाल करना, और इतनी एक्सपर्ट है ना,
यार क्या बात है, कह रही ये ज्यादा नहीं बोल रही कुछ, कह रही बहुत दिन से सुन रहे हैं हमसे, कौन है ये? लगा छोड़ना यार, करने का मतलब क्या यार, तेरे पास कोई डिवाइस नहीं है कुछ नहीं है, पर तुझे पता कैसे लगा हम यहाँ पे? कह रहे चौड़े में घुस के दिखाइयो, कह रहे कर दे डिस्ट्रॉय पूरा, पता नहीं कौन है यार, ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ, इस्लाम इस्लाम ये सब नहीं होता, हम तो जानते ये सब। सोच ले, तो सपने भी नहीं सोच सकती। जिस मरियम नवाज कोड को लेके पाकिस्तान ने एक सुंदर सी लड़की दिखाई, जो सुंदर थी नहीं, असली पाकिस्तान की मरियम नवाज कहाँ है मुझे पता ना, 6 करोड़ है, 6 करोड़। आप समझ गए, 6,600 करोड़, या 16 वाइल्ड लाइफ है ना, या 16 वाइल्ड लाइफ, इसी में आगे जाके जमीन के नीचे महल है बहुत बड़ा, सिर्फ 6,600 करोड़ लड़कियां ही लड़कियां हैं। अरे कौन कह रहे, कौन लोग हैं ये? अरे बहुत दिन से सुन रहे हैं हम इन लोगों को, ये तमीज नहीं है बात करने की इन लोगों को, ना कर छोड़ो ना यार। कह रही ये रहस्य कोई जानता नहीं था, तुझे कैसे पता लगा? मतलब मैं इतिहास हूँ असली वाला राज, तुम्हारा अंत समय आ गया है, ठीक है, फिर तुम सबके लिए एक ही शब्द है, पता है क्या ना बताऊं? श्री राम नाम सत्य है, पंगा लिया ना, तुम सबका श्री राम नाम सत्य कर दूंगा, आखिरी मंत्र वही चलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, परमिशन मिल गई है, वर्ल्ड की कई एजेंसियां काम कर रही है, करे नहीं यार ये नहीं सुनेंगे, खत्म कर फटाफट, स्पीड कर, बहुत काम बचा हुआ है, करे उसके बाद हम लोग भी, मैंने भी करके फेंका, उसके बाद हम भी चलते बनेंगे। करे वाइल्ड लाइफ यार इतनी सुंदर, व्हाइट कलर का एलिफेंट, व्हाइट कलर का एलिफेंट है फिलिस्तीन, खत्म कर मैंने कहा, इसराइल से पूछ ले क्या इच्छा है, रेड एलिफेंट बाहर निकालने हैं, और मूसा बाहर आ रहा है, मूसा समझते है? अबे चूहे हैं, इतने सुंदर चूहे हैं, और पता कितना नॉर्मल हाथी से भी बड़ा एक चूहा है, इतने सुंदर वाइल्ड लाइफ है, शोल्डर हाइट 10 फुट ऊंचा, रबैक और सबैक, मतलब टाइगर एंड लॉयन, कैमरा डाल के देख लिया, जमीन के नीचे पिन मारते हैं, सीधा कैमरा लगा हुए फटाफट, कैमरे के अंदर फुटेज आते के साथ सील कर दे अभी से, चलो अमेजिंग है यार, खत्म कर फटाफट। ये सारे वॉर जोन आरडीएक्स पार्टी सब हटा फटाफट, यस, जो काम हम कर सकते हैं ना, अंदाजा नहीं हम क्या कर गुजरेंगे, इसलिए कौन सा पाकिस्तान और कौन सा अफगानिस्तान, क्या होगा तुम हजारा पजारा लोगे पंगा मेरे से है? बड़ा यार ये पैसे की गर्मी दिखा रहा है बिल गेट्स और रईसी और सुल्तान अबरू ने, मैं मार मूर दूंगा, समझ में आ गई, बहुत तेजी से काम चल रहा है, ऐड मत दिखा दियो मीडिया में, देख लेंगे तुझे और बता देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना कोना पकड़ और निकल ले, समझ में आई? क्योंकि इसका जो वाइल्ड लाइफ बाहर आने वाली है ना बेटा, वो वैसे एक एक को चुन के खाएगी, लाल कलर के नीचे बंदर सुने ना, नहीं बेटा नहीं बता, 40 फुट ऊंचा बंदर है बैठने पर, 40 फुट ऊंचा है लाल किले के नीचे, सब बाहर निकाल रहे हैं हम, ठीक है, नहीं बता, बस ऐसे वाले हैं हम, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट चाहिए इनको,
चले चल ईबिक्स कैश और अमान और अक्कानी चल। अल सलीम कह रहा है अरमान में जाकर के वो 600 फुट वाला डायमंड देखेगा। अबे नीयत सही कर, नीयत अपनी नीयत सही कर, समझ में आई? नीयत सही कर अपनी पहले। मैं हितेश हूँ हितेश, तो तब मुझे कह रहा ईबिक्स के तेरे ऐसे इतने झापड़ दूंगा ना खींच के। कुछ याद आया कौन हूं मैं? ट्विटर हैंडल @ हितेश रे वन। जी हाँ, अब पता है क्या है? चेंज कर दिया मैंने, ढूंढ पता तो हो गई। हितेश रे वन अब वो ट्विटर पे नहीं है, अब हितेश रे वन एयरफोर्स है ग्राउंड पे। पंगे ले लेना, अब काम पूरा कर दिया मैंने। अब ट्विटर पे हितेश रे वन नहीं, हितेश रे वन एयरफोर्स है। ठीक है ठीक है, हाँ आराम से रह रहे होते ना छिल्लो पाकिस्तानियों तो बच जाते, पर तुम्हारे दिमाग में ना खुजली जो होती ना मिटा देंगे। इसलिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सारा सारा डेटा इकट्ठा करो। अरे जितनी भी लालची है ना ये गोल्ड डिगर्स, मार मुर के फेंक दे। समझ में आया तो समझे, नहीं समझ में आया तो जिंदा रख जमीन के नीचे ही, और जहाँ तहखाने खाली हो रहे हैं वहां ले जा। सियाणे बन रहे हैं, अरे वहां तक कैसे पहुंचेगा ये कह रहे। मेरे को कह रहे पैसा कमाता नहीं है, मुझे कह रहा है पैसा कमाता नहीं है, जा यहाँ से चल। तभी तो सामने बैठी हुई चंगेज खान के टैबलेट चाहिए थे उसको गोल्ड के, तभी तो। चल बे चल, बुलेट लेकर आ गया मेरे को दिखा रहा, मेरे पास बुलेट है। चल बे चल भिखारी के, निकल यहाँ से, इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ। समझ रहा है? समझ में आ गई मुकेश भैया? वीडियो देख लियो यार, और अगर पागलपन तुम्हारा अगर दूर ना हुआ हो ना तो एक बार अपने दिल से पूछना तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है? हाँ, इसलिए वॉर चालू रहेगी, पूरी धरती एकदम सब बड़ा बड़ा मारेंगे इनको, ज्यादा देश नहीं बचे हुए, किसी भी समय यूरोप का नंबर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है ये।